हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम वाटरमार्क के बारे में जानेंगे। ठीक है, वाटरमार्क एमएस वर्ड में कहाँ होता है, लिब्रा राइटर में कहाँ होता है, दोनों में। ठीक है, तो एक ही टॉपिक है आज का, केवल वाटरमार्क के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ जल्दी से, ताकि हम अपना काम शुरू कर सके। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हमने लिख लिया है, ठीक है, और अब यहाँ पर वाटरमार्क लगा रहा है। तो वाटरमार्क कहाँ होता है, एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं, तो पेज लेआउट में आप चले जाइए और यहां पर आइएगा, तो यहां पर आपको वाटरमार्क मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर जाइए, कैसे कैसे लगा सकते हैं, तरीका क्या लगाने का, यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, और कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे, ये कस्टम वाटरमार्क दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्लिक कर दिया हमने माउस से, और क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होती है, और यहां पर देखिए दो प्रकार के वाटरमार्क दिए हुए हैं, एक तो नो वाटरमार्क है और एक पिक्चर वाटरमार्क है, और यहाँ नीचे आएगा तो टेक्स्ट वाटरमार्क है। ठीक है, अगर कोई वाटरमार्क नहीं लगाना तो ये रेडियो बटन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। पिक्चर वाटरमार्क लगाना है, यहां से क्लिक करके, और फिर आपको पिक्चर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये सेलेक्ट पिक्चर, इस पर आप क्लिक कीजिए और कोई भी पिक्चर उठा लीजिए जो आपके सिस्टम में मौजूद हो। ठीक है, क्लिक किया हमने, और कोई भी पिक्चर ले सकते हैं जो आपके सिस्टम में हो, मौजूद हो। जैसे मान लीजिए इसमें देखते हैं थंबनेल, इसमें शायद कोई पिक्चर हमें मिल जाए, ये देखिए कोई भी एक पिक्चर हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ले लिया हमने, और यहाँ पे इसको ओके प्रेस करेंगे तो ये पिक्चर का वाटरमार्क जो है अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ये पीछे वाटरमार्क लगा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये दिख रहा है कि नहीं, ये आपको पूरा पूरा नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर मैं इसी चीज को, जैसे मान लीजिए इसको कंट्रोल ए करके और यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से यहाँ पे आ जाता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वाटरमार्क लगा देने से आगे वाली चीजें नजर नहीं आएंगी जो टेक्स्ट हम लिखेंगे, ये पीछे हल्का हल्का दिखाई पड़ेगा वाटरमार्क। ठीक है, ये वाटरमार्क है, क्लियर है। और दूसरी चीज, इसमें पेज कलर है, थोड़ा सा पेज कलर भी देख लेते हैं। ये पेज कलर पे जाएंगे, यहाँ से कोई सा भी कलर आप चूज कर सकती हैं, ये देखिए ये कलर ले लिया हमने, ये कलर ले लिया, जो भी कलर आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब जितने एरिया में वाटरमार्क अप्लाई हुआ है उतने एरिया में तो कलर ये नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से पेज बॉर्डर लगाना हो तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं, बहुत सारे बॉर्डर की स्टाइल आपको मिल जाती है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे जाकर के और यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकती हैं यहाँ पे जाके। ठीक है, इस तरह से बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल कंट्रोल जेड करके एक एक स्टेप पीछे चलते हैं, यहाँ पे हमने वाटरमार्क अप्लाई किया पिक्चर वाला। ठीक है, अब इसको हटाता हूं। ठीक है, और हम टेक्स्ट वाला वाटरमार्क अप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे वाटरमार्क पे चलना है और अब रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया तो ये जो वाटरमार्क लगा हुआ था ये अब हट गया है, देखिए इस पे वाटरमार्क अब नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब हम इस पे टेक्स्ट वाटरमार्क लगाने जा रहे हैं, तो कस्टम वाटरमार्क पे गए और टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक किया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ASAP लिखा हुआ आता है। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, SURJ सूरज लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे कलर चाहे तो चेंज कर सकती हैं आप, क्लियर है। तो ये कलर लगा दिया हमने, और यहाँ पर ओके प्रेस कर सकते हैं, अप्लाई करके ओके। ठीक है, और यहाँ से क्लोज, तो यहाँ पे देखिए सूरज लिखा हुआ आ रहा है वाटरमार्क, इसे हम वाटरमार्क कहते हैं। तो ये तो एमएस वर्ड की बात रही। ठीक है, क्या होगा जब हम लिब्रा राइटर यूज करेंगे, तो लिब्रा राइटर हमें ओपन करना होगा, यहाँ पे ओपन करके रखा है मैंने, यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे वाटरमार्क अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोल्ड करना हो बोल्ड कर सकती हैं, ये सब चीजें पहले बता चुका हूं मैं। अच्छा, ये भी बता चुका हूं कि साइज इंक्रीज करने की, ग्रो करने की शॉर्टकट की क्या होती है लिब्रा राइटर में, क्या होती है, कंट्रोल के साथ, और फिर आपको कंट्रोल के साथ आपको क्या दबाना है, स्क्वायर ब्रैकेट दबाना है। ठीक है, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट दबाना है या ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट दबाएंगे या ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखिए क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट आपको दबाना है। ठीक है, क्लियर है। अगर आप छोटा करना चाहती हैं साइज, तो फिर आपको कंट्रोल के साथ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट दबाना है, तो ये छोटा हो जाएगा। ये सारी बातें हो चुकी हैं पहले ही। ठीक है, हमें आज का टॉपिक है वाटरमार्क। यहाँ पे आपको फॉर्मेट में वाटरमार्क मिलेगा, ये जो फॉर्मेट है ना, यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको वाटरमार्क मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे टेक्स्ट जो भी आपको देना हो वो दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं टेक्स्ट दे देता हूँ भारत, BHARAT भारत लिख दिया हमने, और यही हमारा टेक्स्ट है। और यहाँ से हम कलर चूज कर सकते हैं, जो भी कलर आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, यहाँ पे दे दिया ओके प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे भारत लिखा हुआ आ रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये लिब्रा राइटर में है तरीका वाटरमार्क लगाने का, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन, इसी तरह से आप वाटरमार्क लगा सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिए, थैंक यू।